हमारे घर में नए फैमिली मेंबर्स आए हैं, कौन से आए हैं ये देखो। पता नहीं कब बारिश होएगी, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो, राइड करने का भी मज़ा है। वैसे ये एरिया जो है हमारे यहाँ पे, इसको फूड हब बोला जाता है। Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to another vlog। एक जगह जा रहे हैं जो गुड़गांव में अभी न्यू खुली है, लोगों से सुना है अच्छे रिव्यूज़ हैं, फ्रेंड्स भी होकर आए हैं, तो सोचा इस बार हम लोग एक्सप्लोर कर कर आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम भी रिव्यू करेंगे उसे, खाना कैसा है, जगह कैसी है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये वैसे एक मोटो ब्लॉग होने वाला है, हम लोगों के फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब पता नहीं वो लोग गाड़ी पे जाने वाले हैं या फिर अपनी कौन सी बर्ग है उनके पास, बर्गर बोलते हैं उसकी, हाँ सुजुकी कोई एक्टिव है, बर्गमैन बर्गर पता नहीं क्या नाम, हम बर्गर बोलते हैं। तो वो उस पर चलने वाले हैं शायद, नॉट श्योर, हो सकता है गाड़ी उठा ले वो लोग गर्मी को देखते हुए, लेकिन हम लोग बाइक पे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे, जगह दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे खाने का, प्राइस भी बता देंगे खाने का क्या है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ क्या है, हमने हमारे घर में नए फैमिली मेम्बर्स आए हैं, कौन से आए हैं ये देखो, लाइट जलाइए। ये आए हैं, ये बनाया है हमने, कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये रियल सैंड है, ठीक है, रियल प्लांट्स हैं। ये लाइट जो लगाई है हमने, वार्म लाइट, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी ये, और प्लांट्स जैसे ही बड़े होंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इवन हमें अभी इसमें और काम भी करना है, अभी कुछ काम बाकी है इसके अंदर, तो जब इसमें पूरा काम हो जाएगा दोबारा दिखाएंगे आपको कि क्या है वो। सो बाइक अपनी हो गया वार्म अप, लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, और निखिल अनुभा नहीं चल रहे हैं यार अपने साथ। ओ भाई इतनी तेज़ स्पीड में चला के जाते ना लोग, यहाँ से हाईवे बना रखा है गली को। खैर हाँ, निखिल अनुभा हमारे साथ नहीं चल रहे हैं ड्यू टू सम ऑफिस वर्क, अनुभा फ्री नहीं हुई है, तो सिर्फ काजल और मैं ही जा रहे हैं अभी। चलते हैं यार, हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं है, ये पता है कि सेक्टर 23 में है, लेकिन कहाँ पर है ये नहीं पता। तो मैप लगाएंगे, चलेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन होएगी साथ साथ देते जाएंगे। यार अपने घर से निकलती ना एक सब्जी मंडी पड़ती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस जगह पे, और ट्रैफिक वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, ट्रैफिक ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, भाई पूरी शर्ट गीली हो गई है। पता नहीं कब बारिश होएगी, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो, राइड करने का भी मज़ा है। अभी टाइम हो गया है 8:55, लेकिन अभी भी जो हवा चल रही है वो काफ़ी गर्म है। हम एकदम से इधर इसलिए मुड़ गए बिकॉज मम्मी के लिए एक आई ड्रॉप लेनी है, काफ़ी ज़्यादा उनको इरिटेशन हो रही है आँख में, उसके लिए फिर अपन लोग यहाँ से मुड़ गए, यहाँ से आई ड्रॉप लेंगे फिर अपने रास्ते चलेंगे। वैसे ये एरिया जो है हमारे यहाँ पे, इसको फूड हब बोला जाता है, ये न्यू कॉलोनी है, यहाँ पे सब खाने पीने की जितने भी है, मतलब सब कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह ये बने हुए हैं। स्ट्रीट फूड भी है, जैसे ये मोमोज़ है, और अपना भेलपूरी वाला भी रहता है यहाँ पे, सबवे भी है, ओम स्वीट्स भी है यहाँ पे। अभी वाली जो रोड है, ये रोड सीधा जाती है आइनॉक्स मॉल के पास, वो वाला जो चौक है आइनॉक्स मॉल वाला चौक, सीधा वहीं जाती है। और हमारे घर से 8.8 किलोमीटर्स पड़ता है जो उसी डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है, छोटी राइड ही है। बस ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, 9 बज गए, उसके बाद जाके वहाँ पर बैठेंगे रेस्टोरेंट में, खाना वाना ऑर्डर करेंगे, खाएँगे, तो काफ़ी लेट हो जाएंगे आने में भी। और यार मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इतना सब बना रहा हूँ अभी वीडियो, ये इसकी मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी, बिकॉज अभी आने से जस्ट पहले कोई कैब में कैमरा अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा था, मैंने अपडेट किया 2 बार, लेकिन वो अपडेट हो नहीं रहा, बार बार फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। और जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक मैं डेटा नहीं ले सकता, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ, बट डेटा तो होना चाहिए अपने पास। जैसे ही ये वाला इशू रिजॉल्व होगा उसके बाद हम लोग डेटा अपने इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसको एडिट करेंगे। आई होप कि डेटा लॉस ना हो, बस जो भी हमने बनाया वो सब मिल जाए। तो भाई इतना ट्रैफिक और इतनी गर्मी, मैं बार बार गर्मी का बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना 1 सेकंड के लिए नहीं रुक रहा। हमारे राइट साइड पे बहुत फेमस मंदिर है, चिंतपूर्णी माता मंदिर, यहाँ से अपन लोगों ने राइट लिया पालम विहार रोड पे चढ़ने के लिए। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की भी, चिंतपूर्णी माता मंदिर। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, लेफ़्ट भी आप ले सकते हो पालम विहार रोड के लिए, मुझे ये वाला सीधा अच्छा लगता है। थोड़े से ब्रेकर्स हैं यहाँ पे, और इस वाली साइड की भी रोड बन गई है वैसे तो, वो वाली वो वाला रूट भी सही है। सो अभी हम लोग हैं पालम विहार रोड पे, भाई बहुत गर्मी है, भाई बहुत गर्मी है, हालत बुरी होगी। और हाँ, इस रोड पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जितने भी एनिमल लवर हैं, जिनके पास अपने पेट्स हैं या जो लोग अपने गली के कुत्तों की या बिल्लियों की जो भी केयर करते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी रोड पर जस्ट ओम स्वीट्स की बिल्डिंग के सामने एक एंसोलिया प्लाजा बिल्डिंग है, जहाँ पर डॉक्टर विनीत का क्लिनिक है, जहाँ से मेरे सारे पेट्स, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, कुछ भी हो, मैं सारे अपने एनिमल्स का ट्रीटमेंट वहीं से कराता हूँ। तो जिसको भी आना है यहाँ पे, डॉक्टर विनीत भी हमारे जैसे ही हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, बहुत रीजनेबल रेट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो वो लोग यहाँ पर आके अपने डॉग्स का या किसी भी अपने पेट्स का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की। सो ये आ गया गोल चक्कर, पीछे था कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल ना, नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? मणिपाल हॉस्पिटल। तो कोलंबिया एशिया था, अब मणिपाल हॉस्पिटल हो गया। वहाँ इस चौक से राइट, गूगल मैप्स यही दिखा रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ जाएंगे, सही दिखाएगा वैसे तो। ये रहा भाई, पहुँच गए हम, माय सीक्रेट प्लेस ये जगह का नाम था। देख लो इसकी फ्रंट लुक ऐसी है। और जब आप आओगे ना, वो जो मैंने बताया था कि गोल चक्कर से राइट मोड़ के आना है, बस वो गोल चक्कर से राइट मोड़ के आगे एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड लग रहा होगा, उससे जस्ट राइट लेती लेफ्ट हैंड साइड पर है। और ये हमें सीधा सीधा ले गया। पहले देखने में तो अच्छा सा लग रहा है बाहर से, देखते हो। रिव्यूज़ भी अच्छे मिले वैसे हमें इसके, हमारा एक फ्रेंड ही गया था यहाँ पे, तो उसने बोला कि खाना बहुत अच्छा है और रीजनेबल रेट है। बाकी फॉरेन में छोटे छोटे कैफेज रोड साइड, फिर तो पूरा रेस्टोरेंट टाइप लग रहा है। नहीं, छोटा सा ही है ये, बहुत इतना ही है। ठीक है, चलो देखते हैं अंदर जाके, मेन्यू भी देखते हैं इसका कैसा है। ये क्या किया गूगले ने बॉस? हेलो, खुश हो रही है? हम आगे घर हैं। जो कुत्ता है जापानी 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 जापानी, कम हियर, मेरे पास ही आएगी। कौन लगी मेरे बेटे को? दिखा, क्या दिखा? आ जा ली, मैं बता दूं। चित्ता, मेरा बेटा कितनी तेज चित्ता है। तो भाई रिव्यू ऐसा है, पैसे लगे 947 रुपीज़ सारे टैक्स को मिला के, और खाना जो हमने मंगाया था एक वाइट सॉस पास्ता और ओरियो शेक, चिली मशरूम, और क्या था काजल? मोमोज डिमसिम। वो एक अलग वेराइटी थी, मतलब कि ऐसे डिमसिम नहीं खाए, उनका कुछ अलग सा था और दिखने में भी बड़े यूनिक से थे वो, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। पास्ता पर्सनली मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी थी, काजल को पास्ता अच्छा लगा। ठीक है, चिली मशरूम अच्छे थे, सॉस बहुत कम थी, क्रिस्पी थे, जैसा मुझे चाहिए होता है वैसा ही था। मतलब कई लोग होते हैं ना ऐसे सॉस भर भर के डाल देते हैं, लेकिन मज़ा उसमें मज़ा नहीं आता, हैवी हो जाता है। तो इनका खाना जितना भी था, चाहे वो पास्ता भी था, वो हैवी नहीं था, सब एकदम लाइट सा था, तो इट वाज गुड। और 947 चार चीज़ें हमने मंगाई 947 में, तो क्वाइट वर्थ इट टेस्ट के हिसाब से। और जो एम्बियंस था, लाइव म्यूज़िक बहुत अच्छा था, तो उसके हिसाब से एक बार विजिट करना ज़रूर बनता है, हो गया ना। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हर बार की तरह चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो सिर्फ वीडियो देखते हो तब भी सब्सक्राइब कर लो।